हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई साल आ भी चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है, इसी तरह की आपको 10 वीडियोज और मिलेंगे जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन होंगे और कुल मिला के 500 क्वेश्चन आपके साथ कवर कराया जाएगा, जिससे कि आपके बीए थर्ड ईयर हो या फिर बीए 5 सेमेस्टर जो हो उसका जो कोई क्वेश्चन छूटे ना और आप अपने एग्जाम में आसानी से इसका आंसर लिख पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं और उनका आंसर क्या क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सबके कॉम्टे, वेबर, दुर्खिम, पेरेटो। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 5 सेकंड का टाइमर भी लगा रखा है जिससे कि आप 5 सेकंड तक सोच के और इसका आंसर दे सकें। तो यहाँ पे मैं 5 सेकंड का टाइमर शुरू कर देता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्टे, यानी कि समाजशास्त्र का पिता जो है कॉम्टे को कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन से आपके स्पेंसर, मॉर्गन, कूले, टायनबी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कूले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के सबसे निकट है? ऑप्शन से आपके दुर्खिम, मीड, वेबर, अटकिंसन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है अटकिंसन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं दुर्खिम, कॉम्टे, वेबर या फिर मार्क्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्टे, यानी कि पॉजिटिव फिलॉसफी के जो लेखक हैं वो कॉम्टे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सी एक विज्ञान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके मूल्यांकन, सामान्यीकरण, प्रयोगशाला, स्थानीयता। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थायीता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सोशियोलॉजिकल थ्योरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन से आपके टायलर, टिमसेफ, टायनबी, मॉर्गन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिमसेफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न विज्ञानों में से कौन सा कॉम्टे के अनुसार एक दूसरे के सापेक्ष सबसे कम सामान्य और सबसे अधिक जटिल विज्ञान है? ऑप्शन से आपके समाजशास्त्र, खगोलशास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। तो कॉम्टे के अनुसार जो सबसे जटिल विज्ञान है वो है समाजशास्त्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉम्टे ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? यानी कि सोशियोलॉजी शब्द से पहले कौन सा नाम जो है समाजशास्त्र का था? तो ऑप्शन से आपके सोशल बायोलॉजी, सोशल डिमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल फिजिक्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सोशल फिजिक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है? ऑप्शन से आपके समाज का, समुदाय का, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का, सामाजिक समूह का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने सर्वप्रथम सावयव की अवधारणा का प्रयोग समाज के साथ किया है? ऑप्शन से आपके कॉम्टे, स्पेंसर, मैनहिम, दुर्खिम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जगह आपका ऑप्शन ए, कॉम्टे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके स्पेंसर, डार्विन, मॉर्गन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके टायलर, ई ए रास, बियर स्टेडर्ट, मॉर्गन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टायलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉम्टे द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में छठा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन से आपके खगोल शास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका समाजशास्त्र, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कॉम्टे ने समाजशास्त्र को जिन दो शाखाओं में विभाजित किया है वे हैं? ऑप्शन से आपके सामाजिक संरचना शास्त्र और सामाजिक क्रिया शास्त्र, ऑप्शन बी सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र, ऑप्शन सी नगरीय समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र, ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मैथडोलॉजी ऑफ द सोशल चेंजेस पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन से आपके मैक्स वेबर, गॉफमैन, रेडफील्ड, दुर्खिम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, गॉफमैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किसने अपने तीन अस्त्रों के नियम में धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष अस्त्रों की बात की है? ऑप्शन से आपके कॉम्टे ने, वेबर ने, स्पेंसर ने, पार्सन्स ने। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉम्टे ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वर्गीकरण है? ऑप्शन से आपके समाज का, धर्म का, क्लब का, होटल का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समाज का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारियों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन से आपके रेडक्लिफ, ब्राउन, पार्सन्स, मार्टन, लेवी स्ट्रॉस। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन से आपके पार्सन्स, वेबर, बोंदा, बियर स्टीड। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बियर स्टीड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? ऑप्शन से आपके 4, 2, 1, 3। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन से आपके मैकडॉगल, मीड, कूले, मिल्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैकडॉगल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है, सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है? इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कॉम्टे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक नामक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके दुर्खिम, स्पेंसर, कॉम्टे, वेबर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कॉम्टे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? ऑप्शन से आपके वेबर, स्पेंसर, दुर्खिम, कॉम्टे। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कामटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक विश्व के संचालन में त्रिस्तरीय सिद्धांत को किसने विकसित किया? ऑप्शन से आपके कॉम्टे ने, ह्यूम ने, साइमन ने, हीगल ने। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए कॉम्टे ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सोशल थॉट के लेखक कौन है? ऑप्शन से आपके ऑकबर्न, रॉलिन चैम्बलिस, वाइजर, कॉम्टे। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है रॉलिन चैम्बलिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, जैविकी उद्विकासवाद से कौन संबंधित है? ऑप्शन से आपके मार्गन, स्पेंसर, डार्विन, टायलर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डार्विन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ऑगस्ट कॉम्टे के विकास के विचार इनमें से किन तीन अवस्थाओं में नहीं है? ऑप्शन से आपके आदिम सामंतवाद और पूंजीवाद, ऐतिहासिक अनुभव और विश्लेषणात्मक पथ, धार्मिक तात्विक और प्रत्यक्षवादी व्यवस्था, युद्धप्रिय औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक तात्विक और प्रत्यक्षवादी व्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हमारा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ऑप्शन से आपके मार्क्स ने, मार्टन ने, कूले ने, ऑगस्ट कॉम्टे ने। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्टे ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन से आपके कॉम्टे ने, पार्सन्स ने, वेबर ने, स्पेंसर ने। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कॉम्टे ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विज्ञान में से कौन सा कॉम्टे के अनुसार मात्र प्रायोगिक पद्धति पर निर्भर करता है? ऑप्शन से आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रसायन विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सोशोलॉजी द दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस से मिलकर बना है। यह शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं। ऑप्शन से आपके लैटिन एवं ग्रीक, लैटिन एवं इंग्लिश, लैटिन एवं जर्मन, लैटिन एवं फ्रेंच। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लैटिन एवं ग्रीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रीथिंकिंग सोशियोलॉजी अ क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रोरी थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन से आपके लूमिस, तीमासेफ, पार्सन्स, इरविंग, एम जेटिंग। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इरविन एम जेटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं जो अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों पर आधारित है के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन से आपके दुर्खिम, सोरोकिन, कॉम्टे, वेबर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कॉम्टे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन से आपके सोरोकिन, जे हैबरमास, जे एलेक्जेंडर, अल्थूजर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जे हैबरमास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विज्ञान में से किसे कॉम्टे द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में 5वां स्थान प्राप्त है? ऑप्शन से आपके जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए जीव विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कॉम्टे के अनुसार एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान के रूप में
समाजशास्त्र द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन से आपके तुलना, प्रयोग, अवलोकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवलोकन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों के उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार है? ऑप्शन से आपके मैक्स वेबर, इस्माइल दुर्खिम, कार्ल मैनहिन, अगस्ट कामटे। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अगस्त कामटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कामटे के 3 स्तरीय सिद्धांत का सही क्रम क्या है? ऑप्शन से आपके प्रत्यक्षवादी, तात्विक, धार्मिक। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जगह आपका ऑप्शन बी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कामटे के अनुसार निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा सबसे कम सामान्य है? ऑप्शन से आपके समाजशास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, समाजशास्त्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन से आपके आदर्श प्रारूप स्पेंसर, सामाजिक तथ्य वेबर, विज्ञानों का वर्गीकरण कामटे, प्रतिमान चर मार्क्स। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विज्ञानों का वर्गीकरण कामट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन से आपके उत्पादन की पद्धति मार्क्स, सामाजिक तथ्य दुर्खिम, सांस्कृतिक विलंबन आगबर्न, ईद कामटे। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईद कामटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका समाजशास्त्र को 2 भागों, सामाजिक स्थिति की और समाज की गतिकी में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन से आपके कामटे, वेबर, पेरेटो, मार्क्स। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन से आपके सामाजिक व्यवस्था पार्सन्स, प्रत्यक्षवाद मार्क्स, आदर्श प्रारूप वेबर, सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्षवाद मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कामटे का प्रत्यक्षवाद संबंधित है वैज्ञानिक उपागम से, ऐतिहासिक उपागम से, सामाजिक उपागम से, आदर्शात्मक उपागम से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक उपागम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय को जाना जाता है? ऑप्शन से आपके यांत्रिक संप्रदाय से, स्वरूपात्मक संप्रदाय से, समाजशास्त्री संप्रदाय से, समन्वयात्मक संप्रदाय से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वरूपात्मक संप्रदाय से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन से आपके फ्राइड, द ईगो एंड द ईड, स्पेंसर, द फर्स्ट प्रिंसिपल, वेबर, सामाजिक तथ्य, मार्क्स, द जर्मन आइडियोलॉजी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेबर, सामाजिक तथ्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है? ऑप्शन से आपके दुर्खिम, मार्क्स, वेबर, कामटे। इसके लिए मिलते हैं आपके 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कामटे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? ऑप्शन से आपके सामाजिक व्यवस्था को समझने की, ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की।
इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। दोस्तों ये था बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी तरह से अभी 10 पार्ट और आएंगे जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।